तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लाइव प्रूफ देखिए। यहाँ पे मैं जैसे 360 का ओपन करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस क्रेट के अंदर काफ़ी बड़ा ग्लिच है। जो M7 की नई क्रेट आई है ना भाई, इसके अंदर काफ़ी बड़ा ग्लिच है। एंड गाइस ये ग्लिच कैसे वर्क कर रहा है, इस ग्लिच की हेल्प से मैं यहाँ पर अपनी M416 को लेवल 5 करने वाला हूँ। मतलब जो हमारी ग्लिच है उसको हम लोग लेवल 5 करेंगे। एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड भाई वीडियो को अगर आप लोग आखिर तक देखते हो ना, तो आप लोग काफ़ी इजीली समझ जाओगे कि भाई ये ग्लिच कैसे वर्क करता है। एंड गाइस आप लोग इस ग्लिच वाली वीडियो को देखने के बाद काफ़ी इजीली M7 की स्किन निकाल लोगे, वो भी काफ़ी कम PC के अंदर। अब भाई मैं आपको वो ग्लिच बताऊँ ना, उससे पहले यार मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो यार मेक श्योर आप लोग अभी कभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। एंड भाई सब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यार पबजी लाइट की जो OP क्रेट्स आती है, OP लीक्स आते हैं, सब कुछ यार तुम्हारा भाई तुम लोग को सबसे पहले बताता है। एंड एक बहुत सारी बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपनी पबजी लाइट ID में फुल ट्रस्ट के साथ BC ऐड कराना चाहते हैं विदाउट एनी स्कैम, तो यहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर देखने को मिल रहा है। आप लोगों को अपने भाई भरोसा है तो यार एक बार व्हाट्सएप पर DM कर देना, तुम्हारा भाई 2 मिनट के अंदर तुम्हारी ID के अंदर BC ऐड कर देगा। फिलहाल बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में, कैसे क्या ये ग्लिच वर्क कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर आप लोग टाइम देख लो, रात के 12 बज रहे हैं। गाइस यहाँ पर मैं इस टाइम पर क्रेट ओपनिंग करने जा रहा हूँ। एंड गाइस आप लोग देखिएगा क्या कैसा सिनेरियो रहने वाला है इस क्रेट ओपनिंग का। एंड गाइस ये ग्लिच कैसे वर्क करता है सब कुछ अब मैं आपको डिटेल में बताना शुरू करता हूँ। सो गाइस सबसे पहले आपको जो M7 की क्रेट खोलनी है ना भाई, उससे पहले आपको सबसे पहले एक काम करना होगा अपनी ID के अंदर। आपको सारी की सारी गन की स्किन, वेपन की स्किन, मतलब जो भी बोला जाए ना, सारी की सारी किसी भी प्रकार की आपको स्किन अपनी ID के अंदर नहीं रखनी है, सबको यहाँ पर हटा देना है। आपको अपनी न्यू ID क्रिएट कर लेनी है, चाहे बैकपैक की स्किन हो, चाहे गन की स्किन हो, सारी की सारी गन की स्किन को हटा देना है, आउटफिट्स को रिमूव कर देना है। आपको पता होगा एक बार मैंने स्टार्टिंग में जब M7 की क्रेट आई थी, क्रेट ओपनिंग की थी, वहाँ पर मेरा बहुत बुरा कट आता है। एंड गाइस 1140 BC मेरे बर्बाद गए थे वो इसी कारण कर से। फिलहाल यहाँ पर मैंने सारे के सारे बैकपैक वगैरह सारी की सारी स्किन रिमूव कर ली है, तो पहला काम तो हो गया। दूसरा काम गाइस आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस क्रेट ओपनिंग करने से पहले ना आपको कुछ सोल्जर क्रेट यहाँ पर ओपन कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पर मैं वो सोल्जर क्रेट ओपन कर रहा हूँ। एंड गाइस यहाँ पर हमारे दोनों काम पूरे हो चुके हैं। सो गाइस अब यहाँ पर फाइनली हम लोग अपनी M7 की क्रेट ओपनिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब यहाँ से आप लोग वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। एंड गाइस वीडियो के बीच में मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, वो सीक्रेट ग्लिच बताने वाला हूँ, जिसका यूज़ करके तो काफ़ी ईजिली M7 की स्किन निकाल सकते हैं। एंड गाइस काफी सारा मटेरियल, पेंट, जो भी आप पूछेंगे काफी इजीली निकाल पाएंगे। एंड गाइस आप लोग इजीली M7 या जो भी आपके पास गन है उसको इजीली अपग्रेड कर पाएंगे। सो गाइस अब हम लोग अपनी ID में क्रेट ओपनिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने सारा का सारा क्रेट ओपनिंग आप लोग ध्यान से देखिएगा। सो गाइस यहाँ पे फाइनली यहाँ पे मैं 360 को ओपन करता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे 5 पेंट मेरे को मिलते हैं। एंड गाइस फिर से 3 पेंट। एंड गाइस पूरा का पूरा सिल्वर। तो गाइस यहाँ पे मैंने ट्रिक नहीं लगाई है, मैं आपको बताऊंगा ट्रिक कैसे लगानी, सब कुछ आगे बताने वाला हूँ। क्रेट ओपनिंग को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टैप टैप करते दोबारा 360 को ओपन कर रहा हूँ। एंड गाइस यहाँ पे क्या मिलता है मेरे को, नाइस बैरल की यहाँ पे काफ़ी इजीली स्किन निकल गई है। एंड भाई कुछ कूपन्स वगैरह निकल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। सो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी सी और 360 की ओपनिंग करने वाला हूँ। एंड गाइस अभी तक मैं आपको बता दूँ मैंने कोई भी ट्रिक नहीं लगाई है, ट्रिक क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। सो गाइस यहाँ पे मेरे को 3 प्रीमियर और काफ़ी सारे 4 प्रीमियम कूपन एंड गाइस 16 पेंट मिल गया है, काफ़ी बढ़िया। 45 का ओपन करता हूँ। एंड गाइस सिल्वर, चलो कोई ना। तो गाइस यहाँ पे मैंने BC ऐड करा लिया, दोबारा से 360 का ओपन करते हैं, देखिए गाइस। तो गाइस यहाँ पे दूसरे में बैरल निकल गई है, अभी और खुल रहा है कूपन। एंड 3 पेंट काफ़ी बढ़िया सिल्वर, एक और कूपन यहाँ पर 3 पेंट और काफ़ी बढ़िया, एक और बैरल, तबाही यार। मतलब यार 2 बैरल निकल गए भाई, 5 पेंट ओवरऑल देखा जाए भाई, 4 मटेरियल एंड गाइस पूरे के पूरे 11 पेंट, काफ़ी बढ़िया क्रेट ओपनिंग गई। एंड गाइस दोबारा से यहाँ पे मैं 40 का ओपन करता हूँ। एंड गाइस अब यहाँ पर मेरे को ट्रिक समझ में आ गई है, ट्रिक क्या है आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले 40 का ओपन करना है, 40 का ओपन करने के जस्ट बाद ही ना आप लोग को 360 का ओपन करना है। जैसे आप लोग ये करेंगे ना, आप लोग गौर से देखिए क्या हो रहा है। ये भाई मैंने दूसरी बार ट्राई किया, एंड गाइस आप लोग देख लीजिए 2 बैरल निकली है। एंड गाइस यहाँ पर पेंट देख लो, दबाकर पेंट मिला है मेरे को, यहाँ पर 16 पेंट है, 4 मटेरियल, काफ़ी अच्छी क्रेट ओपनिंग ये भी रही। एंड गाइस यहाँ पर मेरी ID के अंदर 110 बची हुई है 20, तो यहाँ पर 140 का हो जाएगा, तो यहाँ पर एक और 40 का करते हैं। सिल्वर मिला है कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी ID में BC ऐड कर लेता हूँ। एंड गाइस एक बार वर्कशॉप में चलते हैं, देखते हैं मेरे को कितनी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है अपनी M4 को लेवल 5 करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पर मैं M7 को तो अपग्रेड नहीं करने वाला, डायरेक्ट चलते हैं अपनी M4 ग्लेशियर के पास। तो इस ग्लेशियर में जाते हैं और भाई यहाँ पर मेरे को टोटल
110 पेंट की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि मेरे पास फिलहाल नहीं है। एंड गाइस 12 मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है। तो भाई देखते हैं, 4 मटेरियल की जरूरत है, देखते हैं कब तक मटेरियल मिलने वाले हैं। तो गाइस यहां पे मैं दोबारा से इस शर्ट को ओपन करके बैठ चुका हूं। 8 पेंट, 13 पेंट, ओ ओ ओ, ओवरऑल देखा जाए तो यहां पे भाई मेरे को मिले हुए हैं टोटल 14 पेंट इस 360 के ओपन में। दोबारा से 360 का ओपन करते हैं गाइस, देखते हैं क्या निकलेगा। 3 पेंट, नाइस, 3 और पेंट, काफ़ी बढ़िया। ओहो, 2 मटेरियल, तो भाई काफ़ी बढ़िया, ये भी क्रिएट रही। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर देखिएगा क्या सीन होने वाला है। मतलब भाई सब दोबारा से 40 को ओपन करता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर दोबारा से 360 को ओपन करता हूँ। अब देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर 3 पेंट और भाई साहब, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लिया होगा, ज़रूरी नहीं हर बार ये ट्रैक वर्क करे, एक आधो बार वर्क नहीं भी कर सकते, तो आप लोग इस बात की टेंशन मत लेना। काफ़ी बढ़िया भाई, 40 में भी 5 पेंट निकल गए। अब दोबारा से 360 को ओपन करता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर आप लोग देख लो भाई, सबसे बुरा कट है, कुछ भी नहीं मिला। मतलब यार ज़रूरी नहीं हर बार लग काम करे, थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे लग। सो गाइस यहाँ पर मैंने दोबारा से अपनी आईडी के अंदर बीसी ऐड कर लिया। अब आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं किस्तों में तो बीसी क्यों ऐड कर रहा था। तो देखो यार काफ़ी बड़ा रीज़न है, मैं इतना लखपति नहीं हूँ कि भाई इकट्ठा 5,000 बीसी ऐड कर दूँ, जितने की ज़रूरत पड़ रही थी उतना बीसी ऐड कर रहा था। सो गाइस यहाँ पर दोबारा से 40 का ओपन कर रहा हूँ। एंड गाइस एट लास्ट अब मेरे को लगता है कन्फर्म मेरे को मिल जाएगा। तो 360 का ओपन करता हूँ। लगभग 2 मटेरियल की ज़रूरत है, 2 मटेरियल, ओह भाई साहब बैरल निकल गई। एंड भाई काफ़ी इजीली मेरे को 2 मटेरियल तो मिल ही जाएंगे। ओहो, 2 मटेरियल और काफ़ी बढ़िया दोस्तों। सो गाइस ये क्रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुली और भाई काफ़ी लिटरली ना इस वाली क्रेट से भी मेरे को काफ़ी सारा मटेरियल भाई पेंट मिल गया। सो गाइस चलते अपनी वर्कशॉप के सेक्शन में। गाइस अपनी M7 को नहीं, M4 ग्लेशियर को करते हैं लेवल 5। देखते हैं यार सारा का सारा मटेरियल आई होप हो गया होगा। चलते हैं M4 के पास। ओहो, सो गाइस यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी M4 ग्लेशियर को लेवल 5। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ, देखो यार M4 ग्लेशियर है कोई भी वेपन अगर आपको अपग्रेड करना है तो काफ़ी सारी बीसी खर्च होगी। एंड गाइस अगर आप लोग मार्केट में कहीं पर भी बॉब्सलेट कम्युनिटी में बीसी परचेस करने जाते हैं तो यार किसी भी बंदे से परचेस करो, मेक श्योर वो बंदा ट्रस्टेड हो। एंड गाइस अगर आपको अपने भाई पर ट्रस्ट है तो यार आप लोग मेरे से बीसी परचेस करा सकते हैं। 2 मिनट में तुम्हारा भाई तुम्हारी आईडी में बीसी ऐड कर देगा। तो मिलते किसी और इंटरेस्ट